कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। कि ये नीतीश जी के दबाव का जो प्रक्रिया है, ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जो मैं पहले कहता था वही उन्होंने माहौल क्रिएट किया 10-15 दिन में, कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। पर लालू जी घबरा गए, दोनों बाप बेटा पहुंच गए, कहा त्राह माम क्या है, तो पहले हटाइए, हटा दिए। देखिए कल तक आरजेडी के लोग कहते थे कि लालू जी के दया से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कल नीतीश कुमार के आगे लालू जी ने घुटना टेक दिया। यही नीतीश कुमार का बार्गेनिंग कैपेसिटी है। लालू जी इतने डरे हुए हैं कि नीतीश जी के आगे घुटने टेक दिए कि नहीं तो ये बीजेपी में चला जाएगा। अरे भाई, जब लालू जी को डरा दिया तो कांग्रेस कौन खेत की बोली है बिहार में, जहन्नुम में जाए, हमें क्या मतलब, मुझे क्या लेना देना, वो लालू को डरा रहे हैं, हमको उससे क्या लेना देना। मैंने आज नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है, नीतीश जी 22 तारीख को सारे मदिरा और मांस की दुकान बंद कर दें, क्योंकि बिहार हिंदू बाहुल राज्य है, आप भी हिंदू हैं, और छुट्टी भी पूरा घोषित कर दें। आपसे आग्रह है, जो नहीं करेगा, जो रामलला के काम न आए, उसका काम तमाम। देखिए कल तक आरजेडी के लोग कहते थे कि लालू जी के दया से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कल नीतीश कुमार के आगे लालू जी ने घुटना टेक दिया, और उसका परिणाम रात को निकला कि चंद्रशेखर जी को हटा दिया। यही नीतीश कुमार का बार्गेनिंग कैपेसिटी है। तीनों मंत्री आरजेडी से दादा बदले गए हैं, क्या लगता है दबाव की राजनीति, और क्या, मैं तो बोल दिया कि ये नीतीश जी के दबाव का जो प्रक्रिया है, ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जो मैं पहले कहता था वही उन्होंने माहौल क्रिएट किया 10-15 दिन में, कि मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। पर लालू जी घबरा गए, दोनों बाप बेटा पहुंच गए, कहा त्राह माम क्या है, तो पहले हटाइए, हटा दिए। और कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सारा दरवाजा बंद है, लेकिन लालू जी इतने डरे हुए हैं कि नीतीश जी के आगे घुटने टेक दिए कि नहीं तो ये बीजेपी में चला जाएगा। कांग्रेस की भी बात नहीं माने, राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करें, लेकिन नीतीश कुमार ने कांग्रेस को लीडर चुना। अरे भाई, जब लालू जी को डरा दिया तो कांग्रेस कौन खेत की बोली है बिहार में। दादा, सीट शेयरिंग पे क्या लगता है, इन लोग के बीच असमंजस बनेगा, क्योंकि सब डिमांड कर रहे हैं 17 सीट 5 सीट, कैसे पॉसिबल हो, जहन्नुम में जाए, हमें क्या मतलब। हाँ, ये मैंने आज नीतीश कुमार जी से आग्रह किया है, नीतीश जी 22 तारीख को सारे मदिरा और मांस की दुकान बंद कर दें, क्योंकि बिहार हिंदू बाहुल राज्य है, आप भी हिंदू हैं, और छुट्टी भी पूरा घोषित कर दें जैसे अन्य राज्यों ने घोषित किया है, क्योंकि कल प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होगा, भारत में सनातनी हिंदू का पुनर्जागरण का समय है। अगर आपसे आग्रह है, जो नहीं करेगा, जो रामलला के काम न आए, उसका काम तमाम। भाई, मुझे क्या लेना देना, वो लालू को डरा रहे हैं, हमको उससे क्या लेना देना। रिपब्लिकन न्यूज के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।